हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल द टाइम्स एजुकेशन में। आपको हम लेकर आए हैं विज्ञान यानी साइंस की सीरीज, उसके माध्यम से हमने आपको पिछली वीडियो में अच्छी खासी विज्ञान कवर कराई है और कोशिका आपको कोशिका पढ़ा दी है। कोशिका के पार्ट वन और पार्ट टू में, कोशिका को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराया गया है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, कोशिका का तो एक छोटा सा पार्ट रह गया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, तारक का है, गोल्जी का है आदि रह गए हैं, उसको हम इस वीडियो के पार्ट तीन में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। और आपको अगर UPSI, SI, ASI, लेखपाल, NTPC और ख़ासकर सबसे अच्छी जो बात है वो टारगेट ग्रुप डी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको एक क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से पूरा कंसेप्ट दिया जाएगा पूरे कोर्स के साथ ग्रुप डी का पेपर निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है हमारी कोशिका के पार्ट टू जो होता है हमारा जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है और इसकी खोज किसने की थी? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो एक वैज्ञानिक थे, कोलिकर। कौन से वैज्ञानिक थे? कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की थी। 1880 में किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया। किसने? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब दूसरी बात आती है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्टमैन। कौन से थे? अल्टमैन। एक अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1990 में अल्टमैन भैया थे, उन्होंने 1990 में जो माइटोकॉन्ड्रिया थी उसके लिए 1990 में अल्टमैन ने 1990 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा। क्या रखा? बायोप्लास्ट। 1990 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है। और अगर ध्यान नहीं रहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं पेपर के टाइम में जल्दी से देखने के लिए। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने रखा था? एक कौन से थे वैज्ञानिक? एक अल्टमैन नामक वैज्ञानिक थे, 1990 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा। अच्छा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सी बेंडा। कौन से वैज्ञानिक थे? सी बेंडा। तो सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? जो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम रखा था, तो सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया थी इसका नाम इसी के नाम पर किसने रखा था? तो कौन से वैज्ञानिक थे? सी बेंडा। तो सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसका नाम बायोप्लास्ट किसने रखा था? अल्टमैन ने 1990 में। और बात करें कोलिकर जो थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने किसमें की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किसमें की थी? तो जो हमारे कीट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने 1880 में कीटों की मांसपेशियों में की। किसमें की? कीटों की मांसपेशियों में की। अगर आपको पूछा जाए कि कोलिकर ने 1880 में खोज की माइटोकॉन्ड्रिया की किसमें की, तो आपको ध्यान रखना है कि कीटों की मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। आपने पढ़ा होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस ऑफ
सेल कोशिका का बिजली घर किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए जल्दी नोट करते जाइए, इसमें तीन वैज्ञानिक हैं। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। 1880 में कोलिकर ने मतलब जो कीट थे कीटों की मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, और जो सीबेंडा नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सीबेंडा ने। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया और कोलिकर ने 1880 में खोज की थी। कहाँ? कीटों की मांसपेशियों में। और माइटोकॉन्ड्रिया बोलते क्या हैं? बिजली कोशिका का बिजली घर, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का बिजली घर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं देखेंगे वीडियो के माध्यम से। क्या बोलते हैं इसे? कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का बिजली घर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? जो हमारा ग्लूकोज होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, कोशिका के अंदर पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन हो जाता है। जब ग्लूकोज का विघटन हो जाता है तो वहाँ हमारी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को बोलते हैं हम ATP। क्या बोलते हैं? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होती है, और वो ATP के रूप में कहाँ संचित रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित रहती है तो इसीलिए उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नोट करके लिख ले जल्दी। लिखेंगे ग्लूकोज कोशिका के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन होती है, ये नहीं है कि ग्लूकोज कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचा और उसका विघटन हो गया, नहीं। ग्लूकोज कोशिका के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचता है तब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसमें? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन हो जाता है। और जो ऊर्जा प्राप्त होती है और जिस ऊर्जा का निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में संचित रहती है। अच्छा देखिए, आपने ये तो याद कर लिया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर आपसे पूछे कोई कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों बोलते हैं, तो देखिए कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ग्लूकोज जो होता है हमारा कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचता है, ग्लूकोज कोशिका के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब कोशिका में ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज पहुँचता है उसका विघटन हो जाता है, और जो ऊर्जा का निर्माण होता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में संचित रहती है। जब ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी इकट्ठी रहती है और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ATP माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त कर ली जाती है, और अगर मतलब उसकी कोई उपयोग नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो वो ATP हमारी किस में रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अच्छा एक बात करें DNA की, तो DNA हमारा एक केंद्रक में पाया जाता है, और उसके अलावा किस में पाया जाता है? लिखेंगे DNA केंद्रक व लवक के अलावा, आपने बढ़क पढ़ा लवक, तो DNA केंद्रक व लवक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। किसे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। DNA केंद्रक व लवक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है।
अब जैसे आपको अगर क्वेश्चन आया कि इनमें से डीएनए किस किस में पाया जाता है, आपको अगर चार ऑप्शन दे दे तो केंद्रक, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया हो, तो आपको चौथा ऑप्शन लगाना है, क्योंकि डीएनए केंद्रक में भी पाया जाता है, लवक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। क्यों? डीएनए, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपकी कंप्लीट है। अब बात करते हैं तारक काय, यानी कि किसकी, सेंट्रोसोम की, कि तारक काय क्या होता है, तारक काय क्या होता है हमारा, देखेंगे तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम, तारक काय जो है हमारा उसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक थे बोवेरी, कौन से वैज्ञानिक थे, टी बोवेरी, टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने तारक काय की खोज की थी। और जो तारक काय हमारा किस में पाया जाता है, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये केवल तारक काय ये केवल जंतु कोशिका में जो पाया जाता है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और तारक काय जो हमारा होता है ये स्पर्म, स्पर्म सुना होगा आपने, स्पर्म यानी शुक्राणु, ये स्पर्म यानी शुक्राणु के निर्माण में, ये शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। अब बात करते हैं हम तारक काय के बाद लाइसोसोम की, कि लाइसोसोम क्या होता है। तारक काय आपने पढ़ लिया, नोट करते जाइए साथ में, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम की हमारी बात करें खोज की, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, लाइसोसोम की जो खोज की थी एक वैज्ञानिक थे, कौन से, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने ये खोज की थी, किसकी, लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या होता है आपने पढ़ा होगा, लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। और जो लाइसोसोम होती है हमारी वो एक थैली नुमा संरचना होती है, कैसी, थैली नुमा संरचना, ये बात जीव द्रव्य की चल रही है, थैली नुमा संरचना होती है। बात करें कि इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है कि इससे जो एंजाइम निकलते हैं वो इतने तीव्र होते हैं कि आत्महत्या, जो खुद लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम की जो थैली होती है वो भोजन के साथ साथ उसे भी गला देते हैं कोशिका के अंदर लाइसोसोम, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लिखेंगे ये इसमें इतने तीव्र एंजाइम भरे होते हैं, इसमें इतने तीव्र एंजाइम भरे होते हैं कि ये भोजन के साथ साथ लाइसोसोम की थैली लाइसोसोम की थैली को भी गलाने में समर्थ होते हैं। लाइसोसोम की थैली को भी जो इसमें लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं वो इतने तीव्र होते हैं कि भोजन के साथ साथ लाइसोसोम की थैली को भी गलाने में समर्थ होते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी। आगे देखते हैं हम गोल्जी का हमारा क्या होता है। देखिए लाइसोसोम, खोज, डी डुबे, आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, थैलियों में संरचना होती है, आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ये आपको बता दी। जो हमारे एंजाइम निकलते हैं किससे, लाइसोसोम में जो एंजाइम निकलते हैं कोशिका में वो कोशिका को गलाने में समर्थ होते हैं और ये इतने तीव्र होते हैं कि भोजन के साथ साथ ये लाइसोसोम की थैली होती है उसको भी गला डालते हैं और इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए अब बात करते हैं हम गोल्जी गाय की, गोल्जी गाय क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। गोल्जी गाय
गोल जी का है, बात जीव द्रव्य में कोशिका में जीव द्रव्य की बात चल रही है, तो गोल जी का जो होता है उसकी खोज किसने की थी, तो गोल जी का की जो खोज की थी एक वैज्ञानिक थे हमारे, कौन थे, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी गाय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी। और गोल्जी गाय को क्या बोलते हैं, इसे गोल्जी गाय को इसे कोशिका का, इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक, क्या बोलते हैं, इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे बोलते हैं, गोल्जी गाय को, तो इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी कि ट्रैफिक, ट्रैफिक पुलिस, इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, कोशिका में यातायात प्रबंधक ट्रैफिक पुलिस, जो मतलब पुलिस का जो जो हमारा गोल्जी का होता है वो कोशिका में एक यातायात प्रबंधक का, यातायात का जो प्रबंध होता है उसका कार्य करता है, कौन करता है, गोल्जी का, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक बोलते हैं। और इसमें गोल्जी काय में इसमें श्रावी कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें श्रावी कोशिकांग, कोशिकाओं के जो कोशिकाओं के अंग होते हैं, कौन से अंग, श्रावी अंग, तो कोशिकाओं के श्रावी अंग पाए जाते हैं, इसमें श्रावी कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें श्रावी कोशिकांग पाए जाते हैं। अब श्रावी कोशिकांग कौन से होते हैं, श्रावी कोशिकांग होते हैं हमारे हार्मोन्स और एंजाइम, हार्मोन्स और एंजाइम जो होते हैं हमारे वो श्रावी कोशिकांग होते हैं। आपकी जो कोशिका है वो कंप्लीट हो चुकी है, अगली वीडियो में हम देखेंगे साइंस की जो सीरीज रह गई है उसे कवर कराएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।